नमस्कार व्योम टीवी के पेज पर मैं श्रीमान आपके गुटवे की इस धरती में स्वागत करता हूँ। बड़ा दुख का विषय है, हर व्यक्ति परेशान है। यूं कहने को हम तैयार हैं कि एक चीज तो हर एक किलोमीटर के दायरे में मिल जाएगा जहाँ कोल इंडिया सेक्टर का BCCL का काम चल रहा है। हमेशा चाहे वो तेतुलमारी चल जाइए, लयाबाद चल जाइए, कतरास चल जाइए, बेनीडी चल जाइए, या यूं कहें सीधा लास्ट दुगदा वाले क्षेत्र में आप जब आते हैं गुटवे में, यहाँ भी आज कुछ ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम किया गया। क्या कुछ मामला है इस चीज को समझे, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज दिखाएंगे। अभी एक बहुत सुंदर पार्क में है, इस पार्क का नाम है रेस्टोरेशन पार्क। यहाँ जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन, बहुत सारे जगह जगह से लोग आए थे और यह रेस्टोरेशन पार्क के नाम पर एक चीज हुई थी श्रीमान, जिसका नाम है जबरदस्त खर्चा। एक ही दिन में पेड़ उपज गया था, केला का पेड़ लग गया था, साथ ही साथ इतना फूल गुलाब गुलदस्ता सभी तरीके से डिफाइन करके यहाँ पर यह बताया गया कि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह है। और BCCL जो बढ़िया काम करती है, इसके बाद बनाती है आसपास के जगहों में सुसज्जित सुनियोजित ढंग से खूबसूरत जगह। खूबसूरत जगह का तो स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर ही ग्रामीणों ने किया है बंदी। बंदी का मूल आधार यही है कि उनका आधार यही है कि श्रीमान जमीन और कागजात के माध्यम से वो अपने आप को यही बात रख रहे हैं कि यह जमीन हमारा है। क्या कुछ स्थिति है थोड़ा इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली थोड़ा इधर घूम जाइए। इससे पहले इस न्यूज को पूरा आपके तक दिखाएं, एक बात और चाहेंगे कि अभी अजय जी भी इधर से जा रहे थे, मैंने उनसे भी बड़ा निवेदन किया कि श्रीमान क्या कुछ स्थिति है पहले आपसे जाने और आपका भी समर्थन इसमें है कि नहीं। अजय भाई थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या कुछ आए तो आप यहाँ पर देखे और क्या प्रॉब्लम है। अजय तो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है कि क्षेत्र में आप यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए आए। और देखिए कि रास्ते में जाम रहते तो हमारे गाँव के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है और जो ट्रांसपोर्टिंग इन लोग के रास्ते से ही गुजर के जा रही है, इन लोग की जमीन को चीरते हुए जा रही है। मतलब जिस रास्ते पर लोगों का आना जाना है ये इनका जमीन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जमीन इन लोगों का है, लेकिन आज तक इन लोगों को पूछा नहीं गया। आज तक देखिए इतना शोषण किया गया है यहाँ के लोगों को, BCCL हो या आउटसोर्सिंग हो, ना पूछा गया है, ना कोई जवाब दिया गया, ना इन सबका मुआवजा दिया गया है। तो घोर निंदनीय ये बात है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह BCCL कर रही है, झारखंड की स्थिति ऐसी है तो ये तो आउटसोर्सिंग है, वो तो कंपनी का लेन देन है सरकार से। जिला प्रशासन यहाँ मुझे लगता है बिल्कुल कमजोर पड़ती है, खासकर BCCL में। ये जो बंदी आप लिए हैं, इस बंदी का हमको कारण आप बताइए पहले। सबसे पहले ये रोड बहुत लंबा समय से हम देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग चल रहा है, आज अचानक आप बंद कर दिए। आइए दीदी थोड़ा सा इधर आइए, आप लोग बोलिए। हम लोग सर हमारा जमीन होकर के गाड़ी में पार, और हम सूचना भी नहीं दिया गया कि आपका जमीन होकर के हम गाड़ी पार कर रहे हैं, ना ही इसका मुआवजा मिला है, न सूचना कुछ नहीं। इसलिए हमको जब जानकारी हुआ हम आए हैं सर आपका जमीन को देखने के लिए, और हम देख रहे हैं कि हमारे जमीन होते हुए गाड़ी पार कर रही है। हम रहते हैं सर बस्ती पटरिया बस्ती में, और हमारा जो जमीन है हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, ये जमीन तो अभी अगर रजिस्टर 2 खादा का बात कहा जाता है, हाँ। उसमें ये जमीन आपका चढ़ा हुआ है क्या प्लॉट संख्या? चढ़ा हुआ है। अच्छा, ये आपके अपने नाम से चढ़ा हुआ है? मेरे दादाजी के नाम से चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो क्या रसीद वगैरह कब तक कटा है ये बताइए? रसीद वगैरह हमारा सर 2004 तक कटा हुआ। कब से इस पे गाड़ी चलना शुरू हुई आपकी, कब से इस पे ट्रांसपोर्ट चलना? तो याद नहीं है, लेकिन यहाँ तो बहुत पहले से गाड़ियों का और इस तरह के कंपनियों का प्रचलन बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जिस हिसाब से सर अभी कुछ ही महीनों पहले हमारे पास नोटिस आता है जो प्रखंड से भी आया था, उसके बाद वहाँ हम लोग पेपर को अप्रूवल के लिए दिए, उसके बाद बोकारो डिस्ट्रिक्ट DC ऑफिस से भी उधर से भी हम लोग के पास पेपर नोटिस आया था, तो वहाँ भी हम लोग पेपर अप्रूवल के लिए दिए। लास्ट में टेनूघाट से भी आया, अनुमंडल से, वहाँ भी हम लोग पेपर
अप्रूवल करवाए हैं सर, उसके बाद ही हम लोग एक बार BCCL को सूचना दिए चिट्ठी के माध्यम से, उसके बाद वार्ता के लिए कभी कुछ वार्ता के लिए ही हम लोग दिए थे सर, 15 दिन का समय दिए थे, उस टाइम पे वार्ता नहीं हो पाई तो हम लोग दोबारा से चिट्ठी देने का काम किए हैं, तभी जाके हम लोग बंदी किए हैं। इस दरमियान भी सर क्या हुआ कि हम लोग बंदी किए थे 6 तारीख को बंदी किए थे, तो उस टाइम PO साहब छुट्टी में थे बोल करके, जिनको PO साहब हैंड ओवर किए थे वो आए थे, उन्हीं से बात हुआ तो वो बोले कि बंदी करके कोई फ़ायदा है नहीं, अभी PO साहब नहीं है वही डिसीजन लेते हैं, तो करके हम लोग से एक लिखित रूप से दिए हम लोग को चिट्ठी, और बोले कि हम अपने जिम्मा में ये करके एक दिन का आप लोग होल्ड कीजिए, 8 तारीख को ज्वाइन करेंगे। मेरा एक सवाल है कि जो खाता और प्लॉट संख्या बता रहे हैं जी ना, माफी को आप कैसे कहेंगे, इतना तो बिल्कुल खुला हुआ जमीन है, तो इसको कैसे समझेंगे कि पहले माफी होना चाहिए या डायरेक्ट आप आकर दावा कर देंगे, तो मुझे लगता है यहाँ तो प्रबंधन भी आप पर हावी हो जाएगा। माफी क्या हुआ सर, इसका हमारे पास नक्शा भी है सर, बहुत पहले माफी किया हुआ है, नक्शा है हम लोग के पास, और यही नक्शा के माध्यम से ही हम लोग मतलब आगे बढ़ने का सर। कभी BCCL अधिग्रहण वगैरह की थी क्या, की जमीन हमें दीजिए हम मुआवजा दे रहे हैं सर? नहीं, इस तरह का हम लोग के पास अभी तक कोई नोटिस प्रबंधन के द्वारा नहीं मिला है सर। दीदी ये बताइए, फर्स्ट टाइम था, आप ही बताइए आप क्या जान रही दीदी इसके बारे में, ये पहले बताइए। अभी 5 साल से आए हैं, अभी तक इतना जाना है कि ये जो हाल फिलहाल साल भर से जो काम स्टार्ट है कोलवाकरी में, अभी जा रहे कि हम लोग का यहाँ पर इतना मुआवजा है 2 एकड़ 70 डिसमिल का, तभी से 2 एकड़ 70 डिसमिल है। हाँ। अच्छा, उसमें कितने लोग हैं आप लोग, केवल एक आदमी के नाम से 2 एकड़ 70 डिसमिल? एक आदमी। हाँ, क्या नाम हुआ उनका? बड़कू मांझी। अच्छा, तो अभी आप लोग इससे पहले आपको क्या जानकारी थी कि अभी जो आप लोग एप्लीकेशन वगैरह दिए, क्या कुछ उसमें BCCL तरफ से कहा गया आप लोग को? BCCL से तो कहा गया कि जो हम लोग आज बैठक हुआ जो CEO सर से, कि हम हाँ CEO सर जो मीटिंग में कि आप लोग को जो नोटिस आया हुआ है, तो हम लोग जमीन आपका लिए नहीं, जमीन हम लोग लिए नहीं है अभी तक। अच्छा, बिना लिए हुए गाड़ी ट्रांसपोर्ट आ रहा और जा रहा, ताकि मैंने पहले से कुछ नोटिस वोटिस आये है की BCCL तरफ से कि ना हमारा गाड़ी उड़ी जाएगा इस पे? नहीं आया। अजय जी, इस तरह का मुद्दा पर क्या कुछ होता है, जैसे हमको ट्रांसपोर्टिंग करना है तो BCCL पहले से तो कुछ सूचना देती होगी ग्रामीणों को? बुरान देखिए, बस कुछ जो गर्वमेंट व्यक्ति है बस पैकेट भरने की काम करते हैं और काम करवा के वो शोषण करते हैं गरीबों का। आप बताइए ये सब कितना दिन से आवेदन दे रहा है? देखिए 2008 तक का रसीद कटा हुआ है, 8 तक का रसीद कटा हुआ है, ये जानकारी है जो BCCL है या आउटसोर्सिंग जानकारी है पूरा, ये जमीन किसका नहीं है सब, मतलब जो धरना ही दे रही है। मतलब हमको एक चीज यहाँ लग रहा है कि BCCL भी मान रही है कि ये जमीन इनका है, बिना मुआवजा का इस बात को मान रही है, क्या कुछ होना चाहिए अभी? अभी तो तुरंत मुआवजा इनको मिलना चाहिए, जमीन के बदले मुआवजा इनको मिलना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा या कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर साइड से निकल जाएगी BCCL? नहीं नहीं, एकदम ट्रांसपोर्टिंग बंद रहेगा, जब तक मुआवजा की बात नहीं होगी तब तक। कैसे मानेंगे सुरेश जी, आप तो थोड़ा सा ये क्या चाहते हैं तुरंत, मुझे लगता है ये बंद लंबा समय तो रह नहीं पाएगा, प्रशासन भी आएगी, CISF भी आएगा, जिला प्रशासन आएगा, BCCL के आला अधिकारी, ऐसा क्या गोल मटोल बात सुनकर आप हट जाएंगे या आप तुरंत बस चाहते हैं मुआवजा को? अभी तो हम लोग जिस तरह से उस दिन बंदी किए थे और आज हम लोग वार्ता करने के बाद बंदी किए हैं, प्रबंधन के द्वारा कोई ट्रांसपोर्ट के मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिस वजह से हम लोग को दोबारा आज तत्काल अभी बंदी करना पड़ रहा है, और हम लोग ये अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग पेपर दिए हुए हैं, नोटिस दिए हुए हैं, तो ये अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हम लोग का मांग खास करके कहाँ से कहाँ तो 2 एकड़ जितना बता रहे हैं कहाँ से स्टार्ट? 2 एकड़ 2 प्लॉट में है सर। अच्छा, वो क्लियरली हम नहीं बता पा रहे हैं, मेरे पापा बता पाएंगे। अच्छा, कहाँ तक है? यहाँ तक होगा अगर हम ये आपसे पूछे अगर डिस्टेंस का? अभी तो हम यही पेपर जमा किए हैं एक आदमी का, यहाँ हम लोग का 300 रह जाता है, 1.5 एकड़ करके है
अच्छा नहीं, थोड़ा सा हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो कितना दूर तक? आउटसोर्सिंग तो बहुत भीतर तक चल गया, कहाँ तक? हम लोग का यहाँ से इधर से लेकर इस तरफ आगे उधर तक। अच्छा आपको एक पता है कि यहाँ बीच में रेस्टोरेशन पार्क भी बना था, विदेशी लोग भी आए थे यहाँ दिखाने के लिए, तो उसमें भी आपका जमीन गया है क्या? चलिए कुल मटोल एक ही बात आपको समझने का कोशिश करें, रेगुलेटरी पैनल क्या कहता है, कोल इंडिया का डीजीएमएस क्या कहती है, सर्कुलर क्या कहता है, या बहुत सारे वीडियो में हमने दिखा चुका है आपको। बस मेरा एक बात कहना है कि बिना जमीन, अभी एक बात जो स्पष्टीकरण मुझे पता चला इनके रसीद से कि श्रीमान अभी तक ये बीसीसीएल नहीं कह रही है कि ये बीसीसीएल का है, लेकिन यह कह रहे हैं कि हमारा है, और इस बात को मुझे लगता है बीसीसीएल भी मान रही है। उसी के कारण पीओ साहब नहीं थे या पीओ साहब आज बुलाए थे, ये दोनों में अभी तक मिसमैनेजमेंट वाली बात है। इनको यही आश्वासन मिला, बात होगी और आगे का काम होगा। इनका दो मांग है सीधा भाषा में, इनका एक मांग है मेरे जमीन के बदले मुझे नियोजन दो और मेरे जमीन के बदले मुझे मुआवजा दो, और नहीं तो मेरा जमीन मुझे वापस करो। ऐसे एक बहुत बड़ा सार कमेटी के अंतर्गत बात आया था कि अगर किसी कारणवश अगर आप जमीन का अधिग्रहण करते हैं और अगर 5 वर्षों तक उस पर काम नहीं करते हैं तो श्रीमान पुनः आपको रैयत को वापस करना पड़ेगा। ये सब तो चलिए, झारखंड में कितना रैयत खुशहाल है मुझे लग रहा है ये एक दुविधा का प्रश्न है। आप देश के किसी कोने में रहते हैं, मुझे लगता है कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत एक मजबूत विचारधारा वहां के ग्रामीणों के द्वारा रख तो दिया जाता है, लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो भोले भाली जनता को दो चीज का तो दबाव बड़ा आसान तरीके से बनता है, एक पैसा दबाव और दूसरा प्रशासनिक दबाव। कहीं ना कहीं आदिवासी हैं तो आदिवासी के राज्य में अगर इस तरह से छला जाता है तो आदिवासी सरकार कर क्या रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार गई, हम उस पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। बबुआ आवास को लेकर बबुआ किसको मिलेगा इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना चर्चा जरूर करेंगे अगर ये रोड बंद किए हुए हैं तो या तो इन पे FIR किया जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ये बंद किए हैं, अगर ये नाजायज तरीके से बंद किए हैं तो सरकारी काम में बाधा आप तो आसान तरीके से लेकर चलते हैं, इन पर FIR किया जाए, नहीं तो इनकी बात को इस तरीके से सुना जाए तो घर परिवार बाल बच्चों को छोड़कर अगर इस ठंडा और गर्मी के बीच वाले सीजन में श्रीमान यहाँ खड़ा है तो मुझे लगता है एक दुविधा का प्रश्न है। जिला परिषद महोदय हैं या अन्य जनप्रतिनिधि हैं, युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं अगर हर दो घर के बाद इस तरह का दंश झारखंड झेल रहा? मुझे एक बात को स्पष्ट करने में रत्ती भर कुरेज नहीं है, प्रशासन मौन क्यों? BCCL प्रबंधन से अंतिम निवेदन, श्रीमान अगर ये जायज है तो एक बार इनसे बात जब आप करें तो कम से कम वैसे लोगों के बीच में बात हो कि इनकी बात सुनी जाए, ये नहीं कि इनको दबाव बनाया जाए, ये नहीं कि इनको झूठा आश्वासन दिया जाए, ये नहीं कि इनको 15 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए, 25 दिन बाद आइए। अगर ये वही होगा सनी देवल वाली फिल्म में जो बोलते थे कोर्ट में तारीख पे तारीख, अभी ये प्रबंधन साहब तारीख पे तारीख करेंगे तो आज तो केवल यहाँ बंद हुआ है, कल मुझे लगता है आउटसोर्सिंग का कई चर्चा तो नहीं ना आप लोग करिएगा जाम। अंतिम आप इन्हीं से सुन ले, अगर यही स्थिति रही, अगर बात नहीं सुना जाएगा तो क्या कुछ? सर हम लोग अभी तो अपने जमीन से, हम लोग सोचा है कि अपने जमीन से अंदर तक नहीं जाएंगे, अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जमीन हमारा है ट्रांसपोर्ट हम लोग नहीं जाने थे, बस एक बार इस एक पे। धन्यवाद श्रीमान, यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि है चाहे मुखिया हो, विधायक जी हो, सांसद महोदय हो, या गाँव के जनमान या गणमान्य व्यक्ति हो, उनसे भी निवेदन करेंगे, केवल लड़ाई सुदेश जी की नहीं है, केवल लड़ाई एक परिवार की नहीं है, इसमें अगर हर एक भी झारखंडी का दंश अगर आप समझ सकते हैं तो जरूर हाथ से हाथ मिलाकर संयुक्त प्रणाली के अंतर्गत एकता का प्रतीक बने, तभी आपका हक शायद मिल पाएगा, अन्यथा आज एक पर दबाव बना है कल दूसरे पर दबाव बनेगा। जय हिंद। मैनेजर है सर।